I got a call that I'm gonna go with a very special person. The one and only Rahul Gandhi. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लेह लद्दाख के दौरे पर थे। इस दौरान राहुल गांधी ने बाइक राइडिंग करते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की थी। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का एक 28 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अपनी बाइक राइडिंग टीम के साथ पहले मुलाकात करते हैं, उनसे राइडिंग को लेकर जानकारी लेते दिखते हैं। How long is it going to take? I think today's ride is 200. The road is a bit off, but I think that's what we're looking at. We just follow you. Whatever you want, we do. We'll maintain our speeds, keep a little bit distance between all the riders so that we have enough space of braking. Good, let's, should we go? Yeah. इसके बाद राहुल गांधी KTM 390 एडवेंचर बाइक पर सवार होकर लेह पेंगोंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए राहुल आगे बढ़ते हैं और कई जगहों पर रुक रुक कर स्थानीय लोगों से बातचीत भी वो करते नजर आते हैं। इस दौरान राहुल गांधी एक कैफे में ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और राहुल स्थानीय बच्चों के साथ भी नजर आते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान कैफे की खाने की तारीफ की और कैफे के ओनर को धन्यवाद देते हुए राइडिंग पर निकल पड़ते हैं। राहुल गांधी इसके बाद पेंगोंग वैली के कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक भी करते हैं, जहां वहां के हालात पर बातचीत करते हैं। इस दौरान राहुल पूछते हैं चीन ने कितनी जमीन हड़प ली है यहां। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहां पे पेंगोंग फिंगर फोर से? यहां कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले लिए सर, मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक इंची नहीं गया। हमें पता है कि एक इंची गया कि कितना गया। यहीं की रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख, आए थे यहाँ? नहीं आए, यहाँ नहीं आए। राहुल गांधी 20 अगस्त को पेंगोंग लेक पहुंचे थे, जहां पिता राजीव गांधी की जयंती मनाई थी। इस दौरान राहुल ने पिता के लद्दाख दौरे की कई तस्वीर भी शेयर की थी। इसके बाद राइडिंग के दौरान राहुल गांधी की बाइक कच्चे रास्तों में बुरी तरीके से फंस जाती है। Go for it. One thing that my dad always taught me, which I really appreciate, was if you're feeling scared of something, go towards it. Go towards it. Don't go away. But also, don't be foolish. Yeah. Don't go towards it like with ego or with blindness. Yeah. Don't be stupid. go towards it with skill. Yeah. Matlab, skill is your weapon to go close to your fear. Yeah. If you don't have skill and you're trying to go close to your fear, you're going to die. You're going to do something stupid. शाम में राहुल गांधी नुब्रा वैली में स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनका मुद्दा वो संसद में उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपकी मदद पार्लियामेंट में कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई लोकल मुद्दा हो या लद्दाख के लेवल का मुद्दा हो, आप मुझे बताओ कि भैया ये मुद्दा है, आप हमारे लिए ये पार्लियामेंट में उठाइए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल ने गांव में रुके थे और गांव के बाहर ही लोगों के साथ एक बैठक की थी। स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करने के बाद राहुल गांधी ने लोगों को ड्रोन उड़ाकर दिखाया था। ये आपने देखा? ट्राई करोगे भैया? लगाओ जरा, ट्राई कराना थोड़ा। अब ये मैम भाई तो खड़े हो जाओ, खड़े। ऊपर देखो, we'll be right back.
अपनी यात्रा के दौरान 24 अगस्त को राहुल करगिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी सारे लोगों से मुलाकात की थी। करगिल में राहुल गांधी सेना के जवानों से भी मिले थे। इस दौरान जवानों के साथ वन रैंक वन पेंशन पर भी चर्चा की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था, वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है, मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में दी है। बच्चे बच्चे रक्त खून में सोना ये हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दौरे के अंत में राहुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRC के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की थी। मैं जब पूरे लद्दाख में मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ तो मैंने सोचा कि ये सारी की सारी सड़कें आपने बनाई और ये आपके खून पसीने से आपकी मेहनत से बनी है और इन सड़कों से देश की रक्षा हो रही है, लद्दाख का विकास हो रहा है, तो मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो BRO है, शायद हम आर्मी की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, वायुसेना की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, मगर आपके बिना सेना यहाँ काम नहीं कर सकती। तो एक प्रकार से आप उनकी मदद करते हो और आप बॉर्डर में देश की रीढ़ की हड्डी, तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बता दें राहुल गांधी 17 से 25 अगस्त तक लेह लद्दाख के दौरे पर थे। इस दौरान के कई वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।